बारा कोस बोली पलटे फल पलटे पाको हने बुढ़ा पर मैंने केस पलटे पण लखण नी पलटे लाखो। राम राम सा खम्मा गणी टिंकल वैष्णवरा गणान गणा राम राम। मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 31 में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा प्रवीण यो रेस्टोरेंट में बैठो तो हन जीते ने एक छोरी आन बोली आप सिंगल हो क्या। हन प्रवीण अगड़ा राजी भी अन बोलियो हाँ मैं सिंगल हूँ। हनुमा छोरी खने पड़ी तो जोड़ी कुर्सी उठाने लेन गिफ्टी। इंडियन लोग गिफ्ट लेने पर थैंक्स नहीं बोलते और बोलते ही इसकी क्या जरूरत थी। कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा पर सीताफल अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। बबलू जी फ्रूट वाला। एक दादो आपके बेटा ने कह रहा है कि महीनो दांत तो लाई जे रे। जितेन बिचरे मैंने पोतो बोलियो दादू हाल रोटी कौन बनी है। तो दादू पाछे बोलियो के रोटी ने मार गोली सामने वाली राम प्यारी ने इस्माइल देवनी है। आधी रात ने घर में घुसिया चोर हन बेडरूम रे मैंने आदमी ने रस्सी वगड़ो बांध दियो। चकू दिखा लुगाई ने बोलियो सब जेवर निकाल। तो लुगाई पाछी बोली थाने जी को छे जे जी को ले जाओ पर इया ने छोड़ दो। तो चोर बोलियो क्यों। तो लुगाई बोली कि क्योंकि ओ पड़ोसन रो पति है मारवाड़ो तो आवतो होई। कस्टमर केयर वाली छोरी रमेशन बोली कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो रमेश ये बोलियो माँ तो दबा दे मारो इंसान को थोड़ा मस्ती खो रहना चाहिए सीरियस लोग तो अस्पताल में मिलते हैं। रमेश जो कहे जब मैं सोऊं तो सपना मैंने बांध रहा फुटबॉल रमे। तो डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। तो रमेश ये बोलियो कि डॉक्टर साहब काले खाऊं आज तो फाइनल है। कल एक दोस्त की तबीयत खराब थी घर वालों ने आईसीयू में भर्ती करवा दिया। खबर सुनते ही मैं भी पहुंचा देखने तो दोस्त ठीक लगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। तो बोला क्या बताऊं आज मोबाइल खराब हो गया था तो रात को 8 बजे खाना खाने के बाद नींद आ गई। तो घर वाले घबरा गए कि रात को 2-2 बजे तक जगने वाला आज बेहोश कैसे हो गया और उठा के हॉस्पिटल लेके आ गए। एक प्रश्न पूछा गया बीवी के पैर दबाना खिदमत है या किस्मत। बड़ा ही सुंदर जवाब आया बीवी अगर खुद की हो तो खिदमत और अगर पड़ोसी की हो तो किस्मत। हिंदुस्तान दुनिया में इकलौती ऐडी जगह है जट दिन में 10 बार लोग खुशी चिल्लावे लाइट आएगी लाइट आएगी लाइट आएगी। धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं और आधार कार्ड में भी सुंदर दिखे उसे हसीना कहते हैं। वाह 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 वाह। होटल में जाने वाले वे लोग भी इंग्लिश बोलने लगे हैं जी कभी और अमीन जोर जोर आगे करता अटल आप सिलाओ जाए अटल आप सिलाओ जाए। प्लेटफॉर्म आते एक लुगाई सामान लियोड़ी उभी ही जितेन कुली पूछो मैडम जी कुली चाहिए क्या। हम लुगाई पाच जोरदार जवाब दियो नहीं भैया मेरे पति मेरे साथ है। रमेश आप गर्लफ्रेंड रे घरे गयो और आडो भचीडियो। रमेश तेरी गर्लफ्रेंड आडो खोलियो हन छोरी रमेश ने देखन बोली हमें क्यों आया हमारी जिंदगी में परसों मार शादी है। हन रमेश पाछे बोलियो टेंट लगो नो कैटरिंग रो काम भी मने ज मिलियो है काम धंधो भी छोड़ दो कई हमें। दातन करे देवालिया ने कुल्ला करे कपूत हन सुबह उठते जड़दो दबे मारो बेटो सपूत। आवो मर्दो ने खावो जड़दो थूक थूक ने घर ने भर दो हैंगी नशेड़ी भाई बहनों ने राम राम नसो मती कर जो। रात को 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा चौंक कर उठे और देखा मोबाइल पर एक मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा ये क्या है तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा। चाची भी चकरा गई अब 50 की उम्र में ब्यूटीफुल कौन कहेगा भला। जब उसने मोबाइल हाथ में लिया और झल्ला कर चाचा को थप्पड़ जड़ दिया और बोली चश्मा लगा कर मोबाइल उठाया करो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। मालिक नौकर ने कहवे कि आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया। तो नौकर कहवे गलती होगी मालिक। तो नौकर कहवे कि लागे मैं थाने मारी रोटी दे दी। जाटा रे घरे कोई मिलन वास्ते आयो हन चौधरी साहब बंदूक उठाई 2 हवार मैंने फायर कर दी। हन मिलन वालो आदमी बाप डर गयो हन देख तो रह गयो। हन डर तो पूछियो चौधरी साहब ए 2 फायर कण वास्ते करिया। तो चौधरी साहब बोलिया ठेके आड़े ने 2 बियर री बोलियो। मारवाड़ वालों ने हवन भी जो कराणो छई जे दिनड़ा ठीक नहीं हाल रही है। पहली तो नोटबंदी पछे चोटी कटी पछे GST हन पछे इती बरसात लुगाई ने बरसात शुरू में ही छोकी लगे बाद में तो किचकिच हो जावे। ज्ञान हजो कटी लुगाई देख नहीं लेवे नहीं तो ओड़ा भी पड़ सके। तो दादी ने कहवे कि आप कौन कौन से देश घूमे हो। और दादी बोले
पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और पोतो कहे अब कौन सा घूमोगी, और पीछे से छोटा पोता बोला कब्रिस्तान। औरतों की चोटी काटने में क्या बहादुरी है, दम है तो जवान काट के दिखाओ, भड़का हुआ पति। अब तो हद हो गई है यारो, लड़की वालों के यहाँ यह कहते हुए रिश्ता ठुकरा दिया कि तेरे गांव में जियो का टावर नहीं है, मेरी लड़की बोर हो जाएगी। कोई चीज बुरी नहीं होती है, बस समय समय की बात है। अगर बगल में स्कूटी पर लड़की हो तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा लगता है। लड़की वाला कह रहा है कि माने अड़ो छोरो सही चीज को कि खाओ तो पियो तो नहीं रहे, उनकी गलत काम नहीं करे। तो पंडित जी बोले अड़ो छोरो तो आईसीयू रे वार्ड में मिली। जितना भी करोड़पति बाबा पकड़ी जाए नहीं बड़ महीनू कि एक भी राजस्थान रो नहीं है, क्योंकि मो एक कटोरी उबो तो आटो गाला कौन नहीं, फालतू ज्ञान मो लेवा कौन नहीं। घमंड से सर ज्यादा ऊंचा ना करे, क्योंकि जो गोल्ड मेडल जीतने वाले भी सर झुका के हासिल करते हैं। हमें वे दिन आउन वाले है जब सुबह उठते ही हंगो पहले फैसलो लेना पड़ी कि सुबह उठते ही स्नान करूँ कि नहीं करूँ। हैप्पी सर्दी मारवाड़ियों। रमेश जी एक बार बॉर्डर माते लड़न वास्ते गयो, हम ओ सोचन पाछे आई क्यों घरवाली कौन डर है तो दुश्मन कहीं डर ही मारू। मुझे कह रहे मैं तुम्हारी नीली वाली शर्ट प्रेस कर रही थी और वो एक जगह से जल गई। तो पति कह कोई बात नहीं, मेरे पास एक और नीली शर्ट है। कि मुझे पता था तुम्हारे पास एक और नीली शर्ट है, तभी तो मैंने उसमें से काट के इस जली हुई शर्ट के ऊपर लगा दिया। कुछ लोग बाइक से उतरने के बाद हेलमेट ऐसे उतारते हैं जैसे चक्रवर्ती सम्राट ने मुकुट उतारा हो। काका केबीसी में गया, अमिताभ बच्चन बोलते हैं 5 करोड़ का सवाल ये रहा आपके सामने। और काका थोड़ा व्याकुल हुए, अमिताभ अभिषेक बच्चन का पिता का नाम क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन पे 4 जवाब थे, ए अमिताभ बच्चन, बी धर्मेंद्र, सी अमजद खान और डी संजीव कुमार। और अमिताभ बच्चन बोलते हैं आपका क्या जवाब है? और मन में सोचा कि काका ए ही चुनेंगे, लेकिन काका थोड़े कंफ्यूज थे। काका बोलते हैं मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, क्या आप श्योर हैं? अमिताभ ने अपनी स्टाइल में बोला और काका और कंफ्यूज और नर्वस हो गए। और काका ने बोला मैं अपनी लाइफ लाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और अमिताभ ओके कंप्यूटर जी 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। और कंप्यूटर के द्वारा 2 गलत जवाब मिटाने के बाद 2 जवाब बचे, बी धर्मेंद्र और सी अमजद खान। और अमिताभ जी बेचैन और कंफ्यूज हो गए, कंप्यूटर ने ये गलती कैसे कर दी। पर बॉलीवुड में एक कहावत है द शो मस्ट गो ऑन, और काका भी बेचैन हो गए। और काका ने बोला मैं अपनी आखिरी लाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करूंगा। और अमिताभ जी ने बोला आप किसको फोन करना चाहोगे? तो काका ने बोला मैं जया बच्चन को कॉल करना चाहता हूँ। और अमिताभ बच्चन हैरान और परेशान हो गए। खैर जया बच्चन को फोन लगाया, काका बोले जया जी अभिषेक के पिता का क्या नाम है? और जया जी ने पूछा ऑप्शन क्या क्या है? अमिताभ बच्चन अभी तक बेहोश है। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़ के लाने के बोलती है, और जिनको कोई मोहल्ले में अमरूद भी तोड़ने नहीं देता। कल रास्ते में स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की दिखी और मैंने पूछ लिया तुम्हें पता है हम साथ साथ पढ़े हैं? तो उसने जवाब दिया पढ़ाई तो मैं करती थी, तुम तो मुर्गा बनते थे। जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जागता है वही लड़का बता सकता है सबसे बढ़िया बैटरी बैकअप वाला मोबाइल कौन सा है। राम राम सा खम्मा गणी। मारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करजो, और सब्सक्राइब करना मत ही भूल जाओ। PRG चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो।